हेलो दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे द ऑल न्यू बलिनो के एसेसरीज़ के बारे में कि क्या क्या हमारे पास इस टाइम एसेसरीज अवेलेबल हैं शोरूम पे एंड क्या क्या हम लगवा सकते हैं। प्राइस के बारे में भी बात करूँगा। पहले आपको एक एक करके सारी एसेसरीज दिखाता हूँ कि इस कलर के ऊपर अगर आप लगवाते हो एसेसरीज तो कितनी बढ़िया लगती है। एंड ये हमारे सामने डार्क कलर खड़ा हुआ है ग्रे में। तो सबसे पहले इस टाइम स्टार्ट करते हैं रियर प्रोफाइल से। तो मेन है यहाँ पे रियर में जो आपका एक बड़ा क्रोम है, ये बिल्कुल आपका जीटा के अंदर आता है, ऐसा एक सेम टू सेम क्रोम, बट यहाँ पे आपको एसेसरीज में अवेलेबल हो जाएगा। पहले कई बार क्या था, इसकी ज़्यादा डिमांड हो गई थी तो बीच में बंद हो गया था ना। एंड इधर आपको मिल जाएगा, ये शुरू से ही क्रोम चलता आ रहा है। एक क्रोम आपको यहाँ पे पीछे मिल जाएगा, बिल्कुल आपके जो पार्किंग सेंसर है उसके नीचे। एंड रियर में यहाँ पे आपको मिलने वाली है ये स्किड प्लेट सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ। एक यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर्स हैं उसका क्रोम मिल जाएगा, हालांकि ये प्रोटेक्टर हैं, बम्पर प्रोटेक्टर, बट ये क्रोम फिनिश में है, ज़्यादातर होते हैं ब्लैक फिनिश में। हेडलाइट्स पर यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी। ये पूरा क्रोम सारा एसेसरीज़ का पार्ट है, सिर्फ यहाँ पे बलिनो और सुजुकी का लोगो आपको मिलने वाला है कंपनी फिटेड। और ये डेल्टा के ऊपर एसेसरीज़ है, ये हमारे सामने डेल्टा वेरियंट खड़ा हुआ है। क्रोम डोर हैंडल्स आप देख रहे हो, ये एसेसरीज़ का पार्ट है। साइड मोल्डिंग्स आप देख रहे हो, डोर वाइजर्स, ये सब एसेसरीज़ का ही यहाँ पे पार्ट है। साइड में आपको बिल्कुल भी क्रोम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सीट कवर्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट यहाँ पे जो कॉस्टिंग है 8000 प्लस में है, मतलब 8000 के आसपास या 8500 के आसपास यहाँ पे ये आपको सीट कवर्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है। यहाँ पे मैट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखो ये स्किड प्लेट है नेक्सा की, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। एंड रियली में ये तो फ़ायदे का सौदा है, सही में ये को इसमें मेरे को कोई बुराई नहीं लगी। पीछे भी यहाँ पे आपको सीट कवर मिल जाएंगे। अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको जो क्रोम फिनिश आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये क्रोम छोड़ के, ये ग्रिल के नीचे जो क्रोम जा रहा है ये छोड़ के, बाकी जितना भी है क्रोम का पार्ट वो सारा एसेसरीज़ का है। मेरे को बढ़िया क्या लग रहा है कि ये जो आप देख रहे हो नीचे बम्पर पे पूरा क्रोम है, ये इधर से लेकर उधर तक पूरा कवर कर रहा है। उसके अलावा ये वाला क्रोम तो कंपनी फिटेड है, बस ये दो क्रोम मेरे को अच्छे लग रहे हैं। ये मेरे को ओवर लग रहा है क्योंकि ये रियली में ज़्यादा और लग रहा है। एंड इधर ये बम्पर को प्रोटेक्टर हैं, ये भी मेरे को बेकार लग रहे हैं। बाकी जो है हेडलाइट्स के अंदर देख रहे हो ये सब आपको कंपनी फिटेड मिलने वाला है। अब बात करते हैं आप बूट में क्या क्या लगवा सकते हो। सबसे पहले जैसे कि बेस मॉडल अगर आप लेते हो तो ये नहीं आता, पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है, वो आप यहाँ से लगवा सकते हो। अराउंड 3000 से 4000 रुपये कॉस्टिंग होगी। 3D का आपको बूट मैट मिल जाएगा, वो आप लगवा सकते हो। कोई हैवी लगेज अगर आपका काम है, थोड़ा हैवी लगेज ले जाने का, तो उसमें बहुत ही हेल्प करता है 3D वाला, क्योंकि वो हार्ड प्लास्टिक का होता है। इधर आप इल्यूमिनेशन लगवा सकते हो। एंड रियर में आप पार्किंग कैमरा लगवा सकते हो, क्योंकि सेकेंड मॉडल में पार्किंग कैमरा नहीं आता, वो आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करवा सकते हो। आपका जितना भी प्राइस है एसेसरीज़ का, मैं क्रोम ज़्यादातर ये जो क्रोम लगा हुआ है इसका प्राइस आपके स्क्रीन पर डाल दूँगा, वो आप अच्छे से चेकआउट कर लेना। हालांकि एसेसरीज़ कंपलसरी तो नहीं होती हैं, बट हाँ कंडीशंस होती हैं कुछ की 10-20 हज़ार की आपको लेनी ही लेनी है, तो वहाँ पे आप इस तरीके का यहाँ पे काम करवा सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन है, आपको नॉर्मल खुले में भी एसेसरीज मिल जाएगी, मतलब रिटेल में भी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पैकेज लेना है, अपने हिसाब से आप 20 की 30 की जितनी चाहो वो अपनी मनपसंद एसेसरी लगवा सकते हो। वीडियो कैसी लगी भाई, 1 लाइक तो जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे मिलूंगा आपके साथ नई नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।